आज गाजियाबाद किसान समर्थन आंदोलन में पंचशील के साथ पधार रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। से निवेदन है कि अनुशासन का पालन करते हुए आप लोग चलेंगे तो हम लोग बाबा साहब भगवान बुद्ध के अनुयायी हेलो अनिल भाई आप रथ पे आइए। आज इसलिए है ये आंदोलन आंदोलन जो हो रहा है किस खुशी में हो रहा है? ये खुशी में नहीं, ये जो आताताइयों की सरकार है उसको ध्वस्त करने के लिए बहुजन और किसानों का देश का सरकार के खिलाफ आंदोलन है। ये जो मांग क्या है? मांग क्या है आप? मांग हमारी ये है किसानों के जो तीनों विधेयक है ये वापस होने चाहिए और जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार व्यवस्था देश की चलनी चाहिए। बहुत बहुत साल के जलवा बहुजन किसानों के समर्थन में कानून आज ये आंदोलन चल रहा है हमारा। जय जवान। आज जो ये आंदोलन चल रहा है मेरठ से बहुत सारी टीम देकर आप आए हैं। देखिए मेरठ से बहुत बड़ा सैलाब आया है इस क्रांतिकारी आंदोलन में किसानों के साथ है। किसानों के साथ मेरठ ही नहीं पूरा देश साथ है और इस हर धर्मी सरकार को हटा के रहेंगे या तो हमारे किसानों की मांगे माने जाएगी नहीं सरकार हटा देंगे हम इसे। ये जो तीन काले कानून लाई है सरकार इसमें MSP क्या है जरा इसे बताएं जरा। देखिए MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो अब तक इस देश में सिर्फ 6% किसान ही ले पा रहे थे जिसका आज तक के मैक्सिमम किसानों को MSP के बारे में पता भी नहीं था जो आज सभी किसानों को पता चला है। देखिए ये किसान ये कानून ही गलत बने हैं। अध्यादेश के जरिए कानून तब बनते हैं जब संसद चल ना रही हो, जब संसद की कोई बैठक नहीं हो रही हो। उस लॉकडाउन पीरियड में अगर संसद चल नहीं रही थी तो क्या इतनी देश में क्या आफत आ गई थी कि कृषि के लिए कानून बनाया जाए? कानून बनना चाहिए था महामारी के लिए। जब लॉकडाउन महामारी थी तो लॉकडाउन में महामारी से जनता को राहत के लिए कानून नहीं बना और कानून बना दिया कृषि के लिए, यानी कि उद्योगपतियों के लाभ के लिए एक विशेष समय का लाभ उठाकर उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए ये घटिया कानून बनाया सरकार ने। इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि सरकार सिर्फ उद्योगपति समर्थक है और जनता और गरीब मजदूरों के खिलाफ सरकार है। सील के साथ में चल रहे हैं और हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है बहुत अनुयायियों का पार्टी संकल्प यात्रा किसानों के सम्मान में देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश की संस्कृति को बचाने के लिए और इन लुटेरों से देश को बचाने के लिए आज हम सब रोडों पे आ गए हैं और देश के भारत के सभी IAS PCS जजेस डॉक्टर इंजीनियर नेता अभिनेता व्यापारी सन्यासी मास्टर पत्रकार सबको साथ आना चाहिए, नहीं तो पछताओगे। ये देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आओ किसानों की रक्षा करें, भारत को बचाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे साथ पूज्य भिक्खू संघ कहाँ से आए आप लोग? काफला चल रहा है साथियों पंचशील के साथ आंदोलन है। ये बहुत सम्मान है किसानों का।
हमारे साथ बुलंदशहर से, सिकंदराबाद से हमारे बहुत सच्चे मिशनरी साथी, हमारे मार्गदर्शक आज पधारे हैं। ये किस लिए आए हैं आप इतनी दूर से ठंड में? जी किसानों के संघर्ष में शामिल होने के लिए आए हैं। उनके साथ अत्याचार है, वो अत्याचार हमारे साथ भी है जी। सही, अगर किसानों के साथ हमारे अन्नदाता के साथ अत्याचार हो रहा है तो मजदूरों के साथ भी अत्याचार हो रहा है। हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी है। ये संघर्ष हमारा भी है, उनका भी है, हमारा भी संघर्ष है। ठीक है सर, ओके। आज बहुत बहुत साधुवाद। आज किस लिए आए हैं इधर? दो भाई आज किसान मोटरसाइकिल भी आता है ना जी, किसानों के समर्थन में। ये MSP क्या है? MSP थोड़ा सा मिनिमम बता दें। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये वो है जी, जो सरकार देती है और उस पर खरीदती नहीं है। एक्चुअली क्या है, अगर आप कर्नाटक का हिसाब देखें 2019 का जी, तो 46% MSP से नीचे ज्वार बिका है। मध्य प्रदेश में देखें तो 45% से नीचे, MSP से नीचे वहाँ का बाजरा बिका है। तो सरकार जो रेट न्यूनतम समर्थन की बात करती है उस पर खरीदारी नहीं करती है। तो किसानों की जो मांग है वो जायज़ है जी, वो अपनी मांग पे जायज़ है कि उनका MSP का कानून आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तीनों कानून जो है काले कानून वापस होने चाहिए। तो इसी उद्देश्य से ये माटी संकल्प यात्रा निकाली जा रही है किसानों के समर्थन में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजकुमार जी आए हैं खोड़ा कॉलोनी से। डॉक्टर साहब, ये आंदोलन जो हो रहा है किस लिए हो रहा है आज? ये किसान, ये जो किसानों के समर्थन में हो रहा है। हाँ, ये किसान होंगे, ये हमारे भी मांग है काले कानून को रद्द किया जाए जी, और किसानों के हित में अच्छा फैसला लिया जाए जी। इसके कानून है क्या? ये जब से ये मोदी सरकार आई है, जब से ये देश पूरा रोड पर है, चक्कर क्या आए? कभी सरकार बीच 6 सालों में सिर्फ परेशानी के अलावा दूसरी चीज नहीं है जी, जी। कभी GST, कभी नोटबंदी जी, कभी काला कानून जी, सिर्फ इस जनता को परेशान कर दूसरी चीज नहीं। जनता इस सरकार ने जो तो चारा क्या है मैम, चारा क्या है इसका? ये सरकार किसान विरोधी है, सरकार का तख्ता पलट होना चाहिए। तख्ता पलट तो इतने लोगों से नहीं होगा क्योंकि वो पूर्ण बहुमत से है। नहीं, कानून जो है 3 बिल है, MSP है और ये है इसमें जी। इसमें क्या बीमारी है, वापिस क्यों नहीं करे जब किसानों का इन्हें आया बढ़ानी है? तो सर ये हिटलर शाही सरकार है और ये जो है अपने मनमानी फैसले ले रही है जी जी। अपनी पार्टी थोड़ा सा एक काम कर सकता है, कार्यकर्ता थोड़ा राष्ट्र ध्वज के पीछे रहना। ओके, राष्ट्र ध्वज को आगे आने दो जी। अशोक जी, आप मेरठ से चलकर आए हैं, आपके साथ बहुत बड़ा कारवा आया है जी। तो ये क्या है, क्या सरकार से क्या मंशा है आप लोगों की? इस काले कानून को दफन करने की है। इस काले कानून के जो रक्षक हैं उनकी नीतियों को उनको नेस्त नाबूद करने की नीयत है। सरकार ये कानून वापस क्यों नहीं ले रही जब किसानों के उसमें है ये?
कि भाई हम किसानों की आय दोगुनी करने चाहेंगे तो उनके डीजल के रेट कम कर दो, यूरिया के कम कर दो, हर चीज के। ऐसा क्यों नहीं कर रही सरकार? सरकार तो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो तो पूंजीपतियों के गुलाम है ना जी। वो आम नागरिकों की सरकार नहीं है, वो पूंजीपतियों की सरकार है जी। वो पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए एक गुना दो गुना सौ गुना तक उनके लिए लाभ के लिए कुछ भी कार्य कर सकते हैं जी। ये जनता की सरकार है या अडानी अंबानी की सरकार? अडानी अंबानी की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये निजीकरण वालों की सरकार है, ये व्यापारी की सरकार है, धोखेबाजों की सरकार है, ये उत्पीड़नकारियों की सरकार है, ये अन्यायियों की सरकार है, ये क्रूरता की सरकार है, ये मानवता विरोधियों की सरकार है। सर आप कहाँ से आए हैं? मेरठ से आए जी। कौन सी जगह से? मेरठ से आए हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मेरठ जी। डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि जो जिसलिए ये कृषि जो लोग है किसान है जो आंदोलन कर रहे हैं, ये बात मानी जाए सरकार द्वारा।